सवाल नंबर एक, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। आपका सही जवाब ऑप्शन बी 7। सवाल नंबर दो, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए त्रेता युग, ऑप्शन बी सतयुग, ऑप्शन सी द्वापर युग, ऑप्शन डी कलयुग। सही जवाब ऑप्शन ए त्रेता युग। बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी रत्नाभ, ऑप्शन सी रत्नसेन, ऑप्शन डी रत्नेश। सही जवाब ऑप्शन ए रत्नाकर। सवाल नंबर तीन, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? ऑप्शन ए कुबलयापीठ, ऑप्शन बी अश्वत्थामा, ऑप्शन सी शत्रुंजय, ऑप्शन डी एरावत। सही जवाब ऑप्शन डी एरावत। सवाल नंबर पाँच, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी सुषेण, ऑप्शन सी अक्रूर, ऑप्शन डी चरक। सही जवाब ऑप्शन बी सुषेण। सवाल नंबर छः, अहिल्या के पति का क्या नाम था? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी गौतम। सही जवाब ऑप्शन डी गौतम। सवाल नंबर सात, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए घटोत्कच, ऑप्शन बी सुग्रीव, ऑप्शन सी मकरध्वज, ऑप्शन डी अंगद। सही जवाब ऑप्शन सी मकरध्वज। सवाल नंबर आठ, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? ऑप्शन ए जटायु, ऑप्शन बी संपाति, ऑप्शन सी गरुड़, ऑप्शन डी जामवंत। सही जवाब ऑप्शन सी गरुड़। सवाल नंबर नौ, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? ऑप्शन ए कैकसी, ऑप्शन बी मंदोदरी, ऑप्शन सी मंथरा, ऑप्शन डी उर्मिला। सही जवाब ऑप्शन सी मंथरा। सवाल नंबर दस, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? ऑप्शन ए बट, ऑप्शन बी शिष्पा, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी पीपल। सही जवाब ऑप्शन बी शिष्पा।